हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर गौरव। तो गाइस, आज मैं बात करूंगा कि 2023 में माल्टा में पैसे लगा के आना वर्थ है कि नहीं है, और मैं ये भी बात करूंगा कि किस तरह से कौन सा बेस्ट वे है माल्टा आने का। तो वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस, वीडियो को मिस मत करना, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो गाइस, पहली चीज़ है माल्टा आने के लिए पैसे लगा के आना वर्थ है कि नहीं। तो गाइज, मेरा मानना है कि पैसे लगा के आना वर्थ नहीं होगा, क्योंकि माल्टा में जॉब डिमांड से वो ऑलरेडी बहुत हाई हैं। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आप फ्री में बहुत ही अच्छे तरीके से माल्टा आ सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि गाइज, जो अपने इंडियंस और पाकिस्तानी जो अपने एशियंस बंदे होते हैं, वो बहुत सारा पैसा लगा के माल्टा आते हैं और उनको काफ़ी समय लग जाता है रिकवर करना गाइस, और जिसकी बिल्कुल नीड नहीं होती है। अगर आप डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, स्पेशली फैक्ट्रीज़ में, क्लीनिंग में, रेस्टोरेंट में, वो बंदों को हायर करती हैं। बस आपको थोड़ा सा अलग अच्छे तरीके से अप्लाई करना होता है गाइस, क्योंकि ऑलरेडी इतने मेल आ चुके होते हैं, वो बेचारे कन्फ्यूज़ हो चुके होते हैं और फिर वो थक हार के ऐसे ही आसपास बंदों को ट्राई करने लगते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट इन द सेंस, कैसे गाइज, मैं बताना चाहूँगा कि आप जो CV बनाने के बाद, बहुत ही छोटी CV रखिए गाइज, एक पेज की CV बहुत ज़्यादा होती है। बहुत बंदे दो तीन पेज की CV लगाते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप एक छोटे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इतनी बड़ी CV का कोई लॉजिक भी नहीं बनता गाइज। तो पहली चीज़ है, छोटी CV रखिए। आपकी CV जब छोटी रहेगी तो बंदे को आइडिया लगेगा कि आपने क्या किया। जो आपका मेन एक्सपीरियंस है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसको प्रायोरिटी दीजिए, उसकी डिटेल में अच्छे से लिखिए गाइस। जब ये करके आप उनको कोशिश कीजिए कि उनके कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट किया जा सके, उनके ईमेल में भी भेजिएगा। पर ईमेल में गाइस आजकल बहुत ज़्यादा जंक मेल हो जाते हैं, इसीलिए बंदे होते हैं वो लोगों के मेल पढ़ नहीं पाते, काफ़ी लोगों के मेल उनको मिलते ही नहीं क्योंकि इतने सारे ऑलरेडी मेल्स हो चुके होते हैं। तो मैं प्रीफर करता हूँ कि आप स्पेशली टैरिफ डलवा के आप उनको कॉल करके एक बार उनसे बात करेंगे, तो इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं गाइस कि वो आपके वीज़ा के लिए या मतलब आपको बुलाने के लिए रेडी हो जाएं। तो गाइस, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 12-14 लाख लगा के आते हैं गाइस, तो सच बता रहा हूँ आपको बहुत समय लग जाएगा रिकवर करने में, जो बिल्कुल भी वर्थ नहीं होता है गाइस। तो अब बात करते हैं कि कौन सी वेबसाइट्स मैं प्रीफर करता हूँ यहाँ आने के लिए। तो गाइस, जो मैं वेबसाइट प्रीफर करता हूँ वो है maltapark.com। पर यहाँ पे गाइस बहुत सारी वेबसाइट्स और भी हैं, जॉब्स इन माल्टा, इंडीड, लिंक्डइन। पर गाइस, जो लिंक्डइन है वो स्पेशली प्रोफेशनल्स के लिए, अगर आप किसी लेवल में किसी चीज़ में प्रोफेशनल्स हैं तो। अब स्पेशली अभी जर्मनी ने भी अपने वीज़ा के लिए काफ़ी इजी किया हुआ है, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं गाइस तो आप वहाँ के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ से आप माल्टा या पुर्तगाल भी आ सकते हैं। पर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको ऐसी नीड नहीं है। अब मैं बात करता हूँ जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, वो किस तरह से बेस्ट तरीके से आ सकते हैं गाइस। तो मैं प्रीफर करता हूँ कि माल्टा का वर्क वीज़ा ट्राई करें, वो बहुत इजी होता है। बट बहुत बंदे होते हैं उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो इतनी चीज़ें नहीं कर सकते हैं गाइस, तो उनके लिए फिर कौन से ऑप्शन बचते हैं, तो वो एजेंट के पास जाके बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं गाइस। तो मैं प्रीफर करूँगा कि फिर आप एक टूरिस्ट वीज़ा लगा के भी आ सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस होगी। ओके गाइस, और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा, और जो हेल्प मैं कर सकता हूँ मैं गाइस आपकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।